हरे कृष्णा, स्वागत है आपका एक और हमारी स्पेशल वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कंतारा मूवी से रिलेटेड। 13 करोड़ की मूवी बनी थी ये, जो कि 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, सुपर हिट हो चुके हैं, 31 डे से ज्यादा हो चुका है इसको रिलीज हुए हुए, और अब हम रिव्यू देने जा रहे हैं, है ना कमाल। Serious? इतने सारे मैसेजेस, कॉल, रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इस मूवी के ऊपर बात कीजिए, कुछ रिव्यू दीजिए। तो ये शायद अभी तक का सबसे लेट रिव्यू हो, सिर्फ कंतारा के ऊपर बात ना करते हुए हम बात करें कि या इस तरीके की जो फिल्में आ रही हैं साउथ से, कैसे कल्चरल रिवोल्यूशन लाने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं पर्सनली जब थिएटर गया तो मैंने कंतारा मूवी देखते समय क्या अलग चीज ऑब्जर्व करी। और तीसरा पॉइंट जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है अगर इस तरीके की मूवीज बन रही है, बिकॉज काफी कॉन्ट्रोवर्सीज उठने लगी हैं, तो उस कॉन्ट्रोवर्सीज के ऊपर भी बात करेंगे। और लगे हाथों में सोचा राम सेतु के ऊपर बात कर ही लिया जाए, अक्षय कुमार भी तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। पैसा ही पैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो अच्छी लग जाए तो शेयर जरूर कीजिएगा, फिलहाल लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इन दिनों जिस तरीके से मूवी बन रही है, कहीं ना कहीं कल्चरल रेवोल्यूशन तो ला रही है। अब देखो, शुरुआत हुई थी बाहुबली से, लगभग 2000 करोड़ इस पिक्चर ने कमाए, ग्लोबली बहुत बड़ी हिट रही। ऑफ कोर्स उस दौरान पद्मावत भी बनी, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में भी आई थी, तानाजी जैसी फिल्में भी बन रही थी, बट बाहुबली का इंपैक्ट एक अलग ही रहा। तो हम डिस्कस करेंगे कि साउथ का ही क्यों इंपैक्ट इतना अच्छा हो रहा है बजाय बॉलीवुड का। फिर इस साल अगर हम देखा जाए तो शुरुआत हुई द कश्मीर फाइल से, गवर्नमेंट भले ही उनकी हो कृष्णा, सिस्टम तो हमारा है। बताती है कि इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जिसके ऊपर हम चुप रहे, चुप रहने के पीछे एक नैरेटिव था, कैसे वो हर एक चीज के ऊपर बात करते, सिर्फ और सिर्फ हास्यनिद बताती कैसे नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, कैसे किसी सोसाइटी को मैनिपुलेट किया जाता है, उसको डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट किया जाता है और बर्बाद किया जाता है। वो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती है, जो कि बहुत बड़ी हिट रही, 300 करोड़ लगभग इस मूवी ने कमाया। तो उसके बाद RRR मूवी आई, ये मूवी भी बहुत बड़ी हिट रही, 1000 करोड़ लगभग इस पिक्चर ने कमाया, हॉलीवुड के डायरेक्टर तक इस मूवी को अप्रिशिएट करने लगे। इस मूवी में भी दिखाया गया इंडियन कल्चर, इंडियंस लोग अपने कल्चर को कैसे होल्ड करके फाइट कर रहे हैं। आखिरी में प्रभु राम का रूप भी रामचरण एक्टर द्वारा दिखाया गया। रामम, रामम, रणधीरम। तो बाद आती है कार्तिकेय 2 भी बहुत बड़ी हिट रही, बिकॉज ये मूवी भगवान कृष्ण को आपके सामने लाके रखती है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा अनुपम खेर का वो मोनोलॉग जिसमें वो कृष्णा को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। He is everything. His aura is eternal. He is more than God to me. I worship his excellence. तो ये मूवी भी कल्चर को माइथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करती है। वो बताती है कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे पूर्वज थे भगवान, तो हमें इसको प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहिए बजाय इस पर सवाल उठाने में लगे पड़े। इसके बाद आती है PS1, जो कि चोला डायनेस्टी के ऊपर मूवी थी, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एम्परर, चोला राज्य साम्राज्य, इसके ऊपर आज तक किसी ने कुछ खास बात ही नहीं करी कभी, ना ही हमारी NCERT की किताबें बात करती है। NCERT तो भाई मुगलों ने ही अडॉप्ट कर ली है, वहां पे आपको अकबरों के बारे में पता चल जाएगा, इन्वेडर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताएगा कि कितने अच्छे थे इन्वेडर, कितने प्यारे प्यारे मंदिर बनाए, ये वो फलान ढमकाना, बट वो ये नहीं बताते कि हिंदू राज्य भी तो थे, वो कैसे थे। तो PS1 मूवी आई, उसने बहुत सुंदर तरीके से सच को आपके सामने रखा कि कैसा एक साम्राज्य हुआ करता था चोलास का। और उसके बाद आता है कंतारा, कंतारा भी बहुत बड़ी हिट हो चुकी है। अब देखिए कि इंडिया में हर राज्य के अपने कुल देवता होते हैं, हर घर के अपने कुछ कुल देवता कुल देवियां होती हैं, तो ये मूवी आपको एक जंगल में रहने वाले कुछ लोगों के कुल देवता से आपको मिलाती है। ये मूवी आपको बताती है कि जो देवी देवता होते हैं ना, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, उनका तरीका अलग है आप लोगों से बात करने का, वो किसी पर्सन को चुन के उसके थ्रू आपसे बात करते हैं, ये मूवी में बताया गया है।
और माना पड़ेगा बहुत अच्छा काम किया है। इस मूवी का जो एंड है ना, वो एक्चुअली आपको थिएटर में देखना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे पर्सनली, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स थे, काफ़ी सारे हॉरर एलिमेंट ऐसे थे जिसमें मैं जब नॉर्मल बैठ गया तो जैसे वो सीन्स आए मैं सीट से खड़ा हो गया, मतलब वो मैंने क्या देख लिया, ऐसे वाले एक्सपीरियंस थे। तो पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छे मूवी लगी मुझे। ये मूवी आपको बताती है कि हम भारतीय यूनिक क्यों हैं, बिकॉज हम एक ही भगवान को पूजते हैं पर हर राज्य के अपने तरीके अलग हैं, हर कस्बों के अपने तरीके अलग हैं, और इसीलिए हम एक वैरायटी वाली सोसाइटी है। यही तो भारतीयों की यूनिकनेस है ना, कि वी आर कलरफुल, वी आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, समझ रहे हो ना। पर्सनली मैं रिकमेंड भी करूँगा कि एटलीस्ट एक बार ये थिएटर में देख सकते हैं, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस देगी। मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्यों है कि साउथ के लोग इतने आगे निकलते जा रहे हैं, वही बॉलीवुड का फॉलोडन हो रहा है, बल्कि बॉलीवुड का बजट अभी भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं वो जो ग्राउंड रियलिटी है ना इंडिया की, कि भारत क्या है, क्योंकि हम भारतीयों को मूवी दिखा रहे हैं ना अपनी, तो उनको इंडियन पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझाओगे, आप बहुत ज़्यादा वेस्टर्न तरीके से समझाओगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ये चीज़ साउथ इंडस्ट्री समझ गई है, इसलिए वो ऐसी फिल्में बनाती है जो कि ऑडियंस अब कनेक्ट कर पा रही है, रिलेट कर पा रही है कि हाँ ये हमारे देश का कल्चर ऐसा है, इधर ऐसे होता है, इधर ऐसा होता है। बॉलीवुड क्या है, वो आज भी वही तरीका यूज़ कर रहा है कि वो इंडिया को इंडियन तरीके से नहीं देखता, वो इंडिया को देखता है वेस्टर्न तरीके से, तो वो पर्सपेक्टिव ज़्यादा बॉलीवुड में आपको देखने को मिलता है। इसलिए देखो फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत कम धोती कुर्ता पहनते दिखेंगे आपको, शेरवानी अपने मतलब वे वेस्टर्न अटायर, क्योंकि उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली इंडियन ड्रेसेस क्या हैं। पर साउथ के लोग देखो वो अपने कल्चर को प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं और वेयर करते हैं। हमेशा याद रखना जिस ऑडियंस को आप प्रेजेंट करने वाले हो ना अपना कंटेंट, वो ऑडियंस क्या चाहती है, कैसी है, वो क्या सोचती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। बॉलीवुड के साथ ये चीज़ लैक करता है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा अक्षय कुमार जी को भी लेके, कि वैसे भी बहती गंगा में हाथ धोने में सबसे नंबर वन पे है ये आदमी, इन्होंने राम सेतु बनाया। क्या बोला तूने? टू बी फ्रैंकली बहुत बुरी फिल्म नहीं है, बट अक्षय कुमार वही है कि ही वो अपॉर्चुनिटीज लगते हैं मुझे कई बार। हालांकि मूवी अच्छी है, मूवी में भगवान राम को डिमीन नहीं किया गया, बल्कि मूवी ये सच को ढूंढ रही है कि ये जो पुल है ये हमारा कल्चरल धरोहर है, भगवान राम के समय से पुल बना है। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। तो ये मूवी इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करती है और इस ट्रुथ को सर्च करती है, इतना ही बोलना चाहूंगा। बिकॉज अक्षय कुमार पर्सन ऐसे हैं कि कुछ सालों पहले उन्होंने भगवान राम पे बहुत ही गंदा सा जोक भी मारा था। तो मुझे ये बताओ इसका नाम होला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। और नाउ ही इज बैक विद राम सेतु। तो आई जस्ट वांट टू से कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि इस तरीके की फिल्में बन रही है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, बाहुबली हो, RR हो, PS1 हो, कंतारा हो, लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है? काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये फिल्मों में झूठ दिखाया जा रहा है, ये कंतारा वाला कल्चर हो गया, या ये PS1 के जो चोला साम्राज्य है वो हिंदू लोग हैं ही नहीं, ये तो ज़बरदस्ती लोग हिंदू अपना बना रहे हैं। तो उन लोगों को बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हिंदू कौन होता है। एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूँ, मैंने माथे पे तिलक लगाया है, मैं धोती पहना हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, कथा सुनता हूँ, मैं मंदिर बनवा भी रहा हूँ, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ? मैं हिंदू कल्चर फॉलो कर रहा हूँ, ऑफकोर्स यही तो है सनातन धर्म। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं कह रहे नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। उनसे मैं इतना ही बोलूँगा कि फिर हिंदू या सनातन धर्म क्या है? गिटार लेके मजार पे कुन फाया कुन गाने लगूँ क्या? मौला मेरे मौला गाने लगूँ तब हिंदू होगा क्या वो? मतलब ये ऐसे भी हैं, इन लोगों को आंसर देने का मन भी नहीं करता। मतलब चोला साम्राज्य हम हमेशा से देखते हैं, इवन जिस नॉवल पे आधारित ये PS1 मूवी है उसमें भी दिखाया गया है कि चोलाज ने किस तरीके से पूरी दुनिया में भगवान शिव के मंदिर बनवाए, उनके घर में उनकी जो सिस्टर है, परिवार के लोग भगवान कृष्णा के, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, उनकी कथाएँ करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, इतना कुछ तो वो कर ही रहे हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, और फिर बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो हिंदू लोगों का कल्चर ही नहीं है। देख रहे हो किस तरीके से धीरे धीरे ये हमको हमारे कल्चर से अलग करके आगे चल के ये लोग के पता है क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान में तो हमेशा से ही क्रिश्चियन इस्लाम कल्चर था, ये तो बीच में आ गए आर्यंस, उन लोगों ने हिंदू धर्म डाल दिया कुछ, बट हिंदू बिंदू कुछ है नहीं।
ऐसे ही नरेटिव बिल्ड किए जाते हैं। शुरुआत में डाउट डाला जाता है, झूठी फिलोसफी डाली जाती है, आर्यन ड्रेविडियन थ्योरी। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियोज बने तो बना देंगे, इस बोगस झूठ के ऊपर भी पर्दाफाश कर ही देंगे। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार ये मूवी हिस्ट्री के ऊपर क्यों मूवी बना रहे हो आप लोग, हाँ क्यों कश्मीर के ऊपर फिल्में बना रहे हो, क्यों चोलास के ऊपर बात कर रहे हो, क्यों कार्तिकेय बना रहे हो, कृष्णा जी के अस्तित्व की बात कर रहे हो, 5000 साल पुरानी बात है, छोड़ो ना। जब मैं स्कूल में था ना तो हमारे कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश मैथ साइंस हिंदी एंड हिस्ट्री। जब स्कूल से बचपन में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मीन्स इंपॉर्टेंट है ना जानना, क्यों हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स बड़े बड़े हैं, क्यों हिस्ट्री पे PhD लोग ले रहे हैं। अब देखो साइंस के ऊपर मूवीज बन रही है, सुपर हीरोज के ऊपर मूवीज बन रही है, लव स्टोरीज बन रही है, फालतू की अगर हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बन जा रही तो क्या दिक्कत है। हिस्ट्री में हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं जो कि हमारे प्लस पॉइंट हैं, और हमने कुछ गलतियाँ भी की हैं जिससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर ये वैल्यूज, ये कल्चरल वैल्यूज लेके अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो दिक्कत क्या है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, एनालॉजी देके समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी जड़ बहुत छोटी सी है, जड़ मजबूत नहीं है, आंधी आएगी उसको तोड़ देगी, उसे उखाड़ देगी। पर एक पेड़ है उसकी जड़ बहुत गहराइयों तक फैली हुई है, स्ट्रांग है, तो आंधी आएगी भी ना तो उस पेड़ को तोड़ नहीं पाएगी, उसका कुछ खास ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी, बिकॉज उसकी जड़ स्ट्रांग है। तो हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चरल वैल्यूज हमारी फाउंडेशन होती है, उसको जानना, उसको ठीक से समझना, उसको पढ़ना हमें स्ट्रांग करती है। अदरवाइज हमें पता ही क्या है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कल को कोई भी फिर से अटैक करेगा, बार बार अटैक करेगा, हम सीख ही नहीं रहे, फिर होगा क्या, ख़त्म ही हो जाएंगे। तो अगर कश्मीर के ऊपर बात हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें अपने हिंदू ग्रेट वॉरियर्स किंगडम के बारे में अगर पता चल रहा है तो दिक्कत क्या है, अगर हमें भगवान के बारे में अपने जानने को मिल रहा है तो दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि आपका कोई नरेटिव है और वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। खैर आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट आज की वीडियो से सीख है, आप अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को बेटर कीजिए, कंटेंट कंज्यूम करिए बट क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करिए। जस्ट इंटरटेनमेंट के चक्कर में आपको भोंदू मत बनाइए, अपने आपको मैनिपुलेट मत होने दीजिए, बिकॉज आज आप लोगों की वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि कई बड़े बड़े नरेटिव फेल हो रहे हैं, बिकॉज आप लोग जाग रहे हैं। मेरी बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो यार, इतना अच्छा बोला मैंने, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज आपका सपोर्ट ही है जो हमारे चैनल को रन करने में मदद करता है। प्लीज़ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए डोनेट करके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया कि कंतारा मूवी में वरहा देव को पूजा जाता है एक यूनिक वे में, वैसे ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हैं जो कि भगवान कृष्णा स्वयं हैं, उनको पूजा जाता है एक यूनिक वे में, और उन्हीं की एक यूनिक टी शर्ट मैं पहना हूँ लॉर्ड जगन्नाथ जी के ऊपर। आप ये टी शर्ट अपने लिए भी ले सकते हैं हमारे wearemisfit.com वेबसाइट पर जाके, ये टी शर्ट आपका इंतजार करिए, वहाँ जाइए खरीदिए, खुद भी पहनिए और दूसरों को गिफ्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।